हाय, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूँ जवेरिया सिद्दीकी, मेरे साथ इशा है तारिक। और महाभारत के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रही होती है, कमेंट्स में कह रहे होते हैं कि आप लोगों ने तो महाभारत का वो जो टच था ना, एक जो एलिमेंट था वो खत्म कर दिया है। एग्जैक्टली और मैं देख रही थी, मतलब जो हमने वीडियोस की थी पिछले दिनों हिंदुइज्म वगैरह, उसके नीचे बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि महाभारत पे ना रिएक्शन करो, और काफी लोग सजेस्ट भी करते हैं, इवन तो इंस्टाग्राम पे एपिसोड्स भेज रहे होते हैं कि आप ये देख सकते हैं। एक लड़की है नेहा करके उसका नाम है, और वो कहती है महाभारत की ये एपिसोड, वो महाभारत की ना बहुत ऐसे डाई हार्ड फैन होते हैं उस ड्रामा सीरियल की, लेकिन मैंने कहा कि उसकी इतनी ज्यादा एपिसोड है, इतनी ज्यादा एपिसोड है, हम वो नहीं देख सकते क्योंकि वो पता नहीं 500 एपिसोड हम उसको कवर नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि हमने एक एपिसोड देखी तो हम अगर वो मिस भी नहीं कर सकते, वो फिर अगर एक एपिसोड देखी तो वो मिसगाइड हो जाएगा कि आगे पता नहीं क्या हुआ, ये तो सही नहीं था, वो पूरा कॉन्टेक्स्ट चल रहा है। और हम अपनी ओपिनियन भी तब तक नहीं दे सकेंगे जब तक हम पूरी स्टोरी ना देख लें। तो मैंने सोचा है कि वो भी हम कवर करेंगे, लेकिन अभी हमारे पास महाभारत की एक एपिसोड है जिसमें अननोन फैक्ट्स है महाभारत के। वीडियो का टाइटल है अननोन फैक्ट्स अबाउट महाभारत कृष्णास कलेक्शन। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमें कैसी लगी और हमारी क्या ओपिनियन है। वीडियो स्टार्ट। कृष्ण जी ने अपनी पूरी सेना को कलरीपयट्टू सिखाई, उनको तैयार किया। कृष्ण ने बर्बरी का गला काटा और उसको एक पेड़ से महाभारत के पास टांग दिया जहाँ युद्ध हो रहा था, और उस समय गुस्से में युधिष्ठिर ने अपनी माँ को श्राप दिया, मैं श्राप देता हूँ कि आज के बाद कोई भी महिला अपने पेट में कोई भी बात नहीं रख पाएगी। महाभारत युद्ध की तैयारियां हो रही थी, पांडव और कौरव अपनी अपनी शक्तियां आजमा रहे थे, हर राजा और हर राजा की हर सेना ये निर्णय ले रही थी कि उसको किसकी तरफ से उतरना है, कौन पांडव की तरफ से उतरेगा, कौन कौरवों की तरफ से उतरेगा। अपनी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए पांडव और कौरव अलग अलग राजाओं से मिल रहे थे, और उसी समय जब ये लोग जाके मिले एक राजा से जो थे उडुपी के राजा, उनसे पूछा गया कि आप किसकी तरफ से लड़ेंगे, कौरवों का साथ देंगे या पांडवों का। उडुपी के राजा ने बोला मैं किसी का साथ नहीं दूंगा और मैं सबका साथ दूंगा। लोग कंफ्यूज हो गए, इनको समझ नहीं आया। उडुपी के राजा ने बोला कि जब इतने लाख लोग लड़ेंगे तो लोगों को चोट भी लगेगी, उनके उपचार के लिए भी लोग चाहिए, जब इतने लाख लोग लड़ेंगे तो उनका भरण पोषण भी करना पड़ेगा, उनको खाना भी खिलाना पड़ेगा। वो साइड ले रहा हूँ जहाँ सबके चिकित्सा का पूरी जिम्मेदारी और सबको खाना खिलाने का पूरा ध्यान मैं रखूँगा। महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, कुछ दिन लड़ते लड़ते बीत गए, हर दिन हजारों लोग मर जाते थे। फिर एक जादुई चीज होने लग गई। हुआ ये कि उडुपी के राजा हर दिन जितना खाना बनवाते थे ना वो खाना बचता था और ना ही वो खाना अतिरिक्त होता था, मतलब ना एक्स्ट्रा बनता था और ना कम पड़ता था। तो जितने लोग मरते थे उसके हिसाब से खाना ऑलरेडी पहले से तैयार रहता था। तो बाकी सब लोग ये पूछे उडुपी के राजा से कि आपको कैसे पता होता है कि आज कितने लोग युद्ध से लौटेंगे और कितने हजार लोग मर जाएंगे। तब उडुपी के राजा ने एक राज खोला। राज ये था कि उन्होंने बताया कि कृष्ण जी के कमरे के बाहर मैं उबली हुई कुछ मूंगफलियां रख देता हूँ, कृष्ण उसको अंदर लेते हैं और अगले दिन सवेरे जब मैं उस पत्तल के दोने को वापस लेता हूँ तो उसमें जितनी मूंगफलियां खोल के वो खा चुके होते हैं उतने दाने मैं काउंट करता हूँ, गिनता हूँ, और अपने लोगों को बोलता हूँ कि उतने हजार लोगों का खाना कम बनाना। तो मेरा ये कैलकुलेशन है कि हर दिन कृष्ण जितनी मूंगफलियों के दाने खा लेते हैं उतने हजार लोग अगले दिन के युद्ध में मर जाते हैं, इसीलिए मैं जो खाना बनवाता हूँ ना वो कम पड़ता है और ना वो एक्स्ट्रा बचता है। ये एक कहानी थी महाभारत की, लेकिन जो मैंने आपको बताया कि सवाल पूछे जा रहे थे हर किसी से कि आप किसके तरफ से लड़ोगे, आप किसका साथ दोगे, ये सवाल पूछते पूछते कृष्ण पहुंचे बर्बरीक के पास। बर्बरीक कौन था? बर्बरीक भीम का पोता था, घटोत्कच का बेटा। बर्बरीक इतना शक्तिशाली था कि वो जिसकी तरफ से लड़ता उसका जीतना तय था। कृष्ण चाहते थे कि वो हमारी तरफ से लड़े, मतलब पांडवों की तरफ से लड़े। कृष्ण गए बर्बरीक के पास और पूछे कि तुम किसकी तरफ से लड़ोगे। बर्बरीक ने बड़ा अजीब सा जवाब दिया। बर्बरीक ने कहा कि मैं जो कमजोर होगा मैं उसकी तरफ चला जाऊँ। आप समझ रहे हैं, मतलब मैं दोनों तरफ से लड़ूंगा, जब ये कमजोर होगा तो मैं इसकी तरफ जाके इनको हराने लगूंगा और जब ये कमजोर होंगे तो मैं वापस इनकी तरफ आके उनको हराने लगूंगा। कृष्ण को समझ में आया कि अगर ये ऐसा करेगा तो युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। कृष्ण ने बर्बरीक का गला काटा और उसको एक पेड़ से महाभारत के पास टांग दिया जहाँ युद्ध हो रहा था, और उन्होंने कहा कि तुम ना कुछ बोलना
और ना तुम कुछ करना, तुम बस यहाँ लटके लटके अपना पूरा महाभारत देखो। तो सभी लोगों ने कृष्ण से पूछा कि आपने बर्बरी का गर्दन क्यों काट दिया। तब जो कृष्ण ने कहा वो आज तक हम लोग चरितार्थ कर रहे हैं, वो आज के समय में भी सच है। कृष्ण ने कहा कि समाज के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक वो लोग हैं, सबसे ज्यादा खतरनाक वो पक्ष है जो या तो किसी के साइड नहीं होता है या तो सबके साइड होता है। तो यू नीड टू चूज साइड्स। आप अगर किसी के पक्ष में नहीं हैं तो आप समाज के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसलिए मैंने बर्बरी को पहले युद्ध से बाहर कर दिया ताकि युद्ध जो है वो फेयर रहे। एक फाइटिंग का फॉर्म है जिसको कलरी पट्टू कहते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने सुना होगा। कलरी पट्टू को सबसे पहले बनाने वाले, उसको इजाद करने वाले, उसको इन्वेंट करने वाले जो हैं वो कृष्ण ही हैं। कृष्ण जी ने अपनी पूरी सेना को कलरी पट्टू सिखाई, उनको तैयार किया। इसीलिए महाभारत में कृष्ण की जो सेना थी जिसका नाम था नारायणी सेना, वो सबसे ज्यादा घातक और खतरनाक सेना थी। तो जब कृष्ण के पास इधर से दुर्योधन और उधर से अर्जुन पहुंचे और कृष्ण ने पूछा कि दुर्योधन जब मैं सो के उठा तुम दोनों खड़े थे पर मेरी नज़र पहले तुम पर पड़ी, बोलो क्या चाहते हो। दुर्योधन ने चुना कि मुझे कृष्ण नहीं चाहिए, मुझे कृष्ण की पूरी सेना चाहिए, नारायणी सेना। और अर्जुन ने चुना कि मुझे नारायणी सेना नहीं चाहिए, मुझे कृष्ण चाहिए। तो ये जो सेना है जिसका नाम नारायणी सेना था, जो सबसे खतरनाक सेना थी महाभारत में, उसका नाम नारायणी सेना इसलिए था क्योंकि विष्णु अवतार कृष्ण जो हैं, तो जो विष्णु हैं विष्णु का एक नाम नारायण है। तो कृष्ण की आर्मी का, कृष्ण की सेना का नाम नारायणी सेना से बेहतर क्या हो सकता था। और इनके ध्वज में बना रहता था गरुण, गरुण विष्णु जी का वाहन है। कलरीपट्टू यहाँ से जब आगे बढ़ा तो बोधि धर्मम नाम के एक व्यक्ति ने उसको उसमें थोड़े बहुत फेर बदल करके, और देश के बाहर जब ये पहुंचा तो यही इट इज़ वन ऑफ दी मार्शल आर्ट फॉर्म्स नाउ। तो ये जो आप मार्शल आर्ट के नाम से जानते हैं उसका सृजन कलरी पट्टू से हुआ था, और कलरी पट्टू जो है उसको बनाने वाले आपके कृष्ण हैं। तो ये है नारायणी सेना की कहानी, ध्वज में गरुण होने की कहानी और कलरी पट्टू की कहानी। कुछ सबसे बड़े धनुर्धर और कुछ सबसे बड़े योद्धा जो महाभारत के अंदर थे उनमें से एक का नाम था कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण, आपको पता ही है। सूर्यपुत्र कर्ण जो थे वो पांडवों के सबसे बड़े भाई थे, ये भी आपको पता है। जब युद्ध चल रहा था तो कर्ण को हराना बहुत मुश्किल था। फाइनली कर्ण को हराया गया, जब वो उनके हाथ में कोई हथियार नहीं था तब कर्ण को मारा गया। उसके पहले कर्ण का कवच और कुंडल ले लिया गया था। उस दिन जिस दिन कर्ण मरे और पांडव खुशी से अपनी माँ कुंती के पास पहुँचे तो कुंती विलाप में थी, कुंती रो रही थी, तकलीफ में थी। युधिष्ठिर उनके पास गए और बोले कि आपको तो खुश होना चाहिए क्योंकि आपके पांचों पुत्र जीवित हैं और एक हमारे लिए जो बहुत बड़ा थ्रेट था जिसको हराना बहुत कठिन था कर्ण, उसको आज हम लोगों ने मार दिया, तो आपके पास दुखी होने का कोई कारण नहीं है, आप क्यों दुखी हैं। तब कुंती ने बताया युधिष्ठिर को और पांचों पांडवों को कि कर्ण उन पांचों पांडवों का बड़ा भाई था। जब ये बात युधिष्ठिर ने सुनी, युधिष्ठिर को इतनी तकलीफ हुई कि ये बात आपने हमको पहले क्यों नहीं बताई, शायद हम कोई बीच का रास्ता निकालते, शायद कर्ण जिंदा होते। और उस समय गुस्से में युधिष्ठिर ने अपनी माँ को श्राप दिया। उन्होंने कहा कि ये इस इतनी बड़ी बात को आपने अपने अंदर समा के रोक लिया, मैं श्राप देता हूँ कि आज के बाद कोई भी महिला अपने पेट में कोई भी बात नहीं रख पाएगी। तो हम जो मजाक में कहते हैं कई बार कि औरतों के पेट में बात नहीं पचती है, इसकी भी एक बैक स्टोरी है। पांचाल के राजा द्रौपद की बेटी द्रौपदी, जिनका जन्म यज्ञ की अग्नि से हुआ था।
कहानियों में द्रौपदी से जुड़ी ऐसी कई दिलचस्प कहानियां छिपी हुई हैं। अगर आप इस पर एक पूरा वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। कौरवों की नफरत, द्रौपदी का बदला और धर्म की स्थापना, इतिहास में ऐसे कई कारण बताए गए हैं जिनकी वजह से महाभारत का युद्ध हुआ। पर इस युद्ध की असली जड़ था कौरवों का मामा शकुनि, जिसने बहुत पहले से कौरवों के मन में नफरत का बीज बोना शुरू कर दिया था। उम्मीद है कि आपको ये कुछ नई तरीके की महाभारत की छोटी छोटी कहानियां सुन के मजा आ रहा होगा। अगर आप इन कहानियों को एंजॉय कर रहे हैं तो ऐसी अनसुनी, अनकही और अनदेखी कहानियों के लिए स्टे ट्यून्ड। ओके, तो इतनी डिटेल में इन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा ये भी पढ़ी होती हूँ कि राज की जो स्टोरीज हैं, जो कहानियां हैं, वो इतनी ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं है। बट ये काफ़ी कमेंट आता है कि ब्रेन वर्क वगैरह की जो है इनकी इतनी ऑथेंटिक नहीं है। लेकिन मुझे बहुत लग रहा होता है कि जो इनके बैठे हुए ऑथेंटिक है और इनकी रिसर्च की पूरी टीम बैठी हुई है, जैसे वो बात भी कर रहे होते हैं ना, कि तो वो बड़े उसके साथ प्रूफ के साथ कर रहे होते, ट्रस्ट के साथ। जैसे अब उन्होंने ये बात की कि औरतों के पेट में बात नहीं रहती, तो उनकी माता जी जो थी वो उन्होंने बताया ही नहीं इतना टाइम कि वो तुम्हारा ही भाई था, छुपा के रखा। और मतलब ऐसा डे आ गया कि उन पांच भाइयों ने मतलब अपने करण नाम था, सिक्स वाले भाई का उनका कत्ल कर दिया और फिर उन्होंने बताया कि वो तुम्हारा भाई था। और उधर से शराब मिला औरतों को कि वो कभी भी बात नहीं। और अच्छा, ये बात अब तक चलती आ रही है। वैसे तुमने नोट किया है कि औरत की जितनी भी पर्सनल बात हो, जितनी भी कोई भी बात हो, औरत किसी ना किसी से वो शेयर कर देती है। उसके पेट में वो चीज नहीं रहती, मतलब वो किसी ना किसी को वो बता देगी। कोई होता है जिसके पास उसके राज होते हैं, कोई ना कोई औरत या मर्द उसकी जिंदगी में होता है ऐसा। हाँ, ये बात मतलब तुम्हारे साथ ऐसा होता है कि तुम हर चीज किसी ना किसी को बता देती हो। और ऐसा होता है कि कुछ बातें मैं कुछ के साथ कर सकती हूँ और कुछ के साथ मैं कुछ बातें नहीं भी कर सकती, मैं किसी और के साथ कर सकती हूँ। लेकिन औरत का ये वाकई जैसा लगता है कि बहुत वो है कि वो अपने अंदर नहीं बात रख सकती, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी बात, वरना सोचो अगर ये शराब नहीं मिला होता तो औरतें अपने अंदर कितनी बड़ी बड़ी बातें रख लेती। क्योंकि औरत को हर चीज का पता होता है, उसकी एक सिक्स सेंस इतनी तेज होती है कि उसको पता सब कुछ होता है। इवन तो ये भी पता चल जाता है कि अगला मुझे किस तरह से देख रहा है। ये तो बात है कि औरत को पता चल जाती है ये बात। वो एक उसके अंदर होती है कि उसको ना राज पता लग जाते हैं, कहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ गलत है या अच्छा है, वाइब आ जाती है ना कि मॉडल क्या निकलेगा। अंदर रख लेती तो कितना फायदा होता है। लेकिन उन्होंने इतना गुस्सा है उनको कि उनके भाई की जान उन्होंने ले ली, तो उन्होंने अपनी माँ को ही शराब दे दिया कि अब किसी औरत के पेट में बात। अच्छा, जो मैं देख रही थी मुझे वो बड़ा अट्रैक्टिव लगा, पांडव और कौरव मतलब दोनों के दरमियान थे, और जो कृष्णा थे वो पांडव की तरफ थे, तो उन्होंने वो जिसका कत्ल किया मतलब सर काट दिया था, उन्होंने वो कितना अच्छा पॉइंट दिया ना लोगों को कि आपको कुछ एक साइड चूज करनी पड़ती है। जो होता है ना, जिसको हम कहते हैं कि डिप्लोमेटिक ना बनो इतना, मुनाफिक, मतलब हम मुनाफिक कह देते हैं ना कि किसी को हम बुरा नहीं कह रहे और दोनों की तरफ से मिलके चल रहे हैं। तो या आपको ना एक साइड चूज करनी ही पड़ती है। अब देखो, हम ये भी तो कहते हैं ना कि जो सबका दोस्त होता है यूनिवर्सिटी किसी का दोस्त नहीं है, या फिर कॉलेज में, या वैसे हमारे जो ग्रुप होते हैं कि जो लड़की अगर सबकी दोस्त है तो वो फिर किसी की भी दोस्त नहीं है, वो अपना ही फायदा देख रही है, वो अपना ही देख रही है। तो उन्होंने बहुत सही किया कि उसको कहा कि तुम साइड पे चले जाओ ताकि ये फेयर एंड स्क्वायर हो जितना भी इनका युद्ध हो। अच्छा, मुझे उससे पहले मतलब जो ये उन्होंने स्टेटमेंट दी उससे पहले मुझे लग रहा था कि वो ठीक कर रहा है कि जो कमजोर होगा तो मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा, वो भी सही लग लेकिन रहा जब एक पॉइंट उन्होंने बताया ना तो वो तब आया दिमाग में होना चाहिए वो कमजोर होगा, वो उनकी तरफ से लड़ेंगे, फिर वो कमजोर हो जाएगा, फिर वो उनकी तरफ से लड़ेंगे, तो ऐसे लड़ाई खत्म नहीं हो पाएगी ना, युद्ध खत्म नहीं हो पाएगा। और मुझे वो वाला पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि वो जो महाराज थे, एक सेतुपति उनका पता नहीं क्या उपपत्ति करके उनका कोई वो नाम था, उन्होंने कहा कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा, लेकिन जो भी युद्ध हो रहा होगा दोनों पार्टीज को मेरी तरफ से उनकी मरहम पट्टी होगी, उनका जितना भी बहुत मसले होते हैं यार, पानी की जरूरत होती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, खाना पीना, और जब युद्ध से आते हैं कितनी भूख लगी होती है ना एक इंसान में कि पूरा दिन, तो वो हर चीज उन्होंने प्रोवाइड की, प्रोवाइडर बने। मतलब उन्होंने किसी की तरफ से भी नहीं खेला और मतलब लड़े नहीं वो किसी की तरफ से भी, लेकिन उन्होंने सबको प्रोवाइड किया। और वो कितना अच्छा पॉइंट था कि वो उतना ही खाना बनाते थे जितने लोग मतलब युद्ध से वापस आ पाते थे। तो ये मुझे दो पॉइंट तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने बात की ना कि वो साइड पे कर दे, ये तो मुझे लगा कि अभी भी ऐसे होता है कि तुमने नोट किया होगा कि जो बंदा बहुत ज्यादा पॉलिटिकली करेक्ट हो रहा होता है ना, उसको हम कहते हैं इसको नहीं बताना, ये सबका ही दोस्त है, उसको भी बता देगा। और एक वो
औरत वाली बात, औरत वाली बात बिल्कुल। और अच्छा मैं देख रही थी द्रुपदी वाला ना, द्रौपदी। तो अगर आप लोग कहेंगे तो हम इस पे काफी वीडियोस देख सकते हैं क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग लगता है। अच्छा द्रौपदी वाली हमें पता भी काफी ज्यादा है, हमने पहले भी काफी ये। अच्छा मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगा कि जो अर्जुन थे, अर्जुन उनके कमरे में, वो किसी काम के लिए गए थे, उन्होंने अपनी किसी की हेल्प करनी थी ना किसी। जब अच्छा आपका वो होता है कि आपका एक कहते हैं ना कि थॉट आपकी अच्छी है, आपकी नीयत अच्छी है, हाँ तो आप गए वो हेल्प करने के लिए, बस वो उनके कमरे से अपनी वो चीजें लेने के लिए गए थे और उनको सजा मिल गई 12 साल के लिए। लेकिन वहां पे भी उन्होंने फिर वो जो कृष्णा की सिस्टर उन्होंने बताया उनसे फिर हाँ, उनके साथ शादी हो गई ना उनकी। तो ये काफी मजे की इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप बताएं आपको कैसी लगी है और आपको क्या लगता है कि इसमें कहीं भी क्रेडिबिलिटी का कोई इशू है तो वो भी आप हमें कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें इनसाइड एक्शन। टेक केयर।